A very good morning to all students and hope you all are fine at home. So today we are starting our next chapter, that is mother doesn't want a dog. ठीक है कि mother है उसको dog नहीं चाहिए. तो किसकी mother को dog नहीं चाहिए? Let's start the poem. So see here the first. Do you have a pet at home? Do you want to keep one? Tell your partner. ठीक है, this is a class activity. So we will do when we will be in the class. Okay, let's start our poem. Mother doesn't want a dog. ठीक है, मदर को डॉग नहीं चाहिए. मदर says they smell. मदर क्या कहती है उसकी, कि वो क्या करते हैं, स्मेल करते हैं ना, गंदी गंदी स्मेल आती है डॉग से. And never sit when you say sit. कहते जब डॉग को बोलो सिट, वो सिट होता ही नहीं, उसकी मम्मा कहती. किसकी मम्मा ये कह रही है बेटा? पोएट. जो पोएट हमें ये पोम सुना रहा है बेटा, उसकी मदर ये कह रही है उससे. और इवन व्हेन यू येल, येल का मीनिंग हमने फर्स्ट पोम में किया था, दैट इज़ टू स्पीक लाउडली, चिल्लाना है ना. तो जब उसकी मदर चिल्लाती भी है ना, तब भी वो उसकी बात नहीं सुनता. व्हेन यू कम होम लेट एट नाइट, कहते जब आप घर पे लेट आते हो नाइट में, एंड देयर इज़ आइस एंड स्नो, तब क्या होता है, आइस भी होती है और स्नो भी, यानी बहुत ठंड होती है. यू हैव टू गो बैक आउट बिकॉज द डम्प डॉग हैज़ टू गो. ठीक है, तब आपको पीछे होना पड़ता है. क्यों होना पड़ता है? क्योंकि जैसे आप डोर ओपन करते हो तो वो जो डम्प डॉग है, डम यानी सिली, सिली यानी फुलिश, ठीक है, मतलब कि जिसको समझ नहीं होती, उसको भी बाहर जाना होता है. ठीक है, सो सी हियर द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31. मदर डजंट वांट अ डॉग. अगेन मदर को डॉग क्यों नहीं चाहिए? मदर सेज दे शेड. शेड मीन्स जब वो देखो हिलते हैं तो उनकी जो हेयर्स होते हैं ना, वो नेचुरली फॉल करने शुरू कर देते हैं, नीचे गिरते हैं ना कई डॉग्स के हेयर, तो ऐसे उनके शेड होते हैं हेयर्स. एंड ऑलवेज लेट द स्ट्रेंजर्स इन, कहते और स्ट्रेंजर्स, अगर कोई भी अनजान आदमी आ जाए तो उनको आने देते हैं. एंड बार्क एट फ्रेंड्स इंस्टेड, कहते अगर स्ट्रेंजर आए तो उसको तो आने देते हैं, लेकिन अगर कोई फ्रेंड आए तो उसको बार्क करना शुरू कर देते हैं ना. द साउंड ऑफ द डॉग इज़ टू बार्क, बार्क करते हैं ना साउंड. दे डू दिस ग्रेसफुल थिंग ऑन रग्स. रग्स क्या होते हैं बेटा? मैट्स. जो आप घर पे मैट्स बिछाते हो ना, जब आपकी एंट्री होती है घर पे, वहाँ पे मैट्स रखते हो या अपने कमरे में रखते हो, तो वहाँ पे डिसग्रेसफुल मतलब कि उसको ख़राब कर देता है रग्स को. उसको मैट अच्छा लगता है, वो मैट पे बैठता है, लेकिन वो मैट को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है. एंड ट्रैक मड ऑन द फ्लोर. एंड ट्रैक मड ऑन द फ्लोर मीन्स उसके जो पाँव हैं वो मड से हो जाते गीले, गंदे गंदे पाँव कर देता है अपने वो लेग्स को, और उसी मड के वो जो निशान होते हैं बेटा, वो सारे फ्लोर पे आ जाते हैं. ठीक है, वो ट्रैक करता जाता है. एंड फ्लोप अपॉन योर बेड एट नाइट, कि आप जब सोते हो तो आपके साथ ही आके सो जाता है बेड पे. ठीक है, तो फिर वो नहीं होना चाहिए ना. एंड स्नोर देयर डॉगी स्नोर. स्नोर मीन्स खराटे लेना. ठीक है, जो हम नॉइस निकलती है ना जब हम ब्रीथ लेते हैं रात को सोते वक्त, तो ऐसे डॉगी अपनी स्नोरिंग करता है जिसकी वजह से नींद नहीं आती. मदर डजंट वांट अ डॉग. मदर को डॉग नहीं चाहिए. अब फिर से उसकी मदर कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए डॉग. क्यों नहीं चाहिए? शी इज़ मेकिंग मिस्टेक. ठीक है, अब मदर क्या कर रही है? मिस्टेक कर रही है. बिकॉज मोर देन अ डॉग आई थिंक शी विल नॉट वांट दिस स्नेक. ठीक है, कहते हैं डॉग तो अच्छा है लेकिन उसको शायद स्नेक ना अच्छा लगे, है ना. मोर देन अ डॉग आई थिंक शी विल नॉट वांट दिस स्नेक, कि डॉग से ज़्यादा शायद वो स्नेक को पसंद ना करे. तो क्या कहना चाह रहा है कि मम्मा को कहते हैं कि अगर आप डॉग नहीं रखोगे तो शायद मैं स्नेक ले आऊँगा घर पे. तो ये बताने की कोशिश कर रहा है वो इसमें. ओके, सो दिस वॉज द पोम मदर डजंट वांट अ डॉग. ठीक है, आपके घर पे भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कभी कभी होता है ना कि आपके मम्मा को डॉग अच्छा नहीं लगता बट आपको अच्छा लगता है. तो सिमिलरली इसमें भी वही बेटा पोम में बताया गया कि मदर को डॉग अच्छे नहीं लगते बिकॉज वो स्मेल करते हैं, वो बोलते नहीं, वो बैठते नहीं, चिल्लाओ तब भी बात नहीं सुनते, और जब आप लेट नाइट आते हो है ना आइस और स्नो में से जब होती है बाहर, तो वो भी बाहर जाना चाहता है. ठीक है, क्योंकि वो फुलिश है,
ना समझ है उसको, पता नहीं। और मदर इसलिए भी नहीं डॉग चाहती क्योंकि वो उसके हेयर्स शेड होते हैं, नीचे हेयर्स गिरते हैं उसके सारे घर में, और वो स्ट्रेंजर्स को तो कुछ नहीं कहता लेकिन फ्रेंड्स को बात करता है, ठीक है। और डिसग्रेसफुल भी होता है यानी गंदा कर देता है रग्स को, और अपने फ्लोर पे जो सारे हमारा फर्श होता है ना उसके ऊपर भी वो अपने पैरों के निशान लगाता है, जैसे गंदी गंदी मिट्टी से आके, ठीक है, बेड्स के ऊपर आ जाता है और स्नोरिंग वॉइस करता है। दैट्स वाई उसको नहीं पसंद। फिर वो कहता है कि शायद मम्मा को मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मम्मा को शायद उसकी मदर को डॉग ज़्यादा अच्छे लगे स्नैक से। ओके, दिस वॉज द पोम। सो द नेक्स्ट वी विल द बैक एक्सरसाइज एंड द नोटबुक पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटा।